सर्जरी में अपन वेरिकोस वेन देख रहे हैं अभी, इसमें डेफिनेशन दी है, ये डायलेटेड टॉर्टियस इलोंगेटेड सुपरफिशियल वेन ऑफ द लिम आर कॉल्ड वेरिकोस वेन। मतलब ये एकदम ऐसे डायलेट हो जाती है वेन। टॉर्टियस का मतलब रहता है जटिल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इलोंगेटेड हो जाती है, सुपरफिशियली रहती है। इसमें क्या रहता है, जो वेन रहते हैं ना उसमें ब्लड, वो मतलब उससे ब्लड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। और इसमें ऐसे भी बोला जाता है कि एक टाइप की पनिशमेंट है जो कि मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी नेचर ने इसको दी है। इसमें क्या होता है वेरिकोस वेन, मतलब क्या रहता है, अपन इसमें सिम्टम्स देखेंगे। सबसे पहला वाला सिम्टम दिया है, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट विद डायलेटेड वेन्स इन द लेग। मतलब ज्यादातर पेशेंट में डायलेटेड वेन रहती है लेग में, अपन को दिखती है। उसके बाद ड्रैगिंग पेन इन द लेग और डल एक्ट पेन इन द हेवीनेस। मतलब उसमें एक डल ऐसे पेन उसको फील होता है, जो पेशेंट रहता है ना उसको कोई खींच रहा है, ऐसे टाइप का पेन उसको फील होता है। एकिंग पेन इज रिलीव्ड एट नाइट ऑन टेकिंग रेस्ट और इलिवेशन ऑफ द लिम। मतलब कब उसको पेन कम होगा, जब भी नाइट के टाइम में वो अपना पैर इलिवेट करेगा या फिर वो रेस्ट लेगा, उस टाइम पे उसको वो पेन फील नहीं होगा। सडन पेन इन द काफ रीजन विथ फीवर एंड एडिमा ऑफ द एंकल रीजन सजेस्ट डीवीटी। अभी तक हमने वेरिकोस वेन देखा, लेकिन डीवीटी क्या रहता है, ये और मतलब वेरिकोस वेन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि इसमें काफ जो रीजन रहता है वहां पे सडन पेन चालू हो जाता है, फीवर होता है वो पेशेंट को, एडिमा स्वेलिंग आ जाती है, एंकल जो रीजन रहता है ना वहां पे, उसको अपन डीवीटी बोलेंगे। और एक डिफरेंस यही पे है कि इसमें डीवीटी में अपन कभी सर्जरी नहीं करते हैं, लेकिन अपन आपको पता होगा जो वेरिकोस वेन के जो पेशेंट रहते ना उनको बोलते हैं कि आप लोग सर्जरी के लिए जाओ बोल के। तो ये चीज मेन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ये चार सिम्टम समझ में आएंगे होंगे, उसके बाद हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो है सैप्रोफीमोरल जंक्शन, जो इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट रहता है। इंग्वाइनल, आपको अगर आप फीमर मतलब ये देखेंगे डायग्राम तो आपको पता चलेगा इंग्वाइनल रीजन, वहां पे जो जंक्शन है सैप्रोफीमोरल जंक्शन, उसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसको अपन कफ इम्पल्स टेस्ट बोलते हैं, या फिर उसी को मोरेजिस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मतलब वो पेशेंट जो रहता है ना उसको खड़ा करके वो टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो वो कैसे परफॉर्म की जाती है अभी मैं बताती हूँ आपको। खड़ा करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फिंगर रखेंगे जो भी इंग्वाइनल रीजन है जहां पे एसएफ जंक्शन प्रेजेंट है, सैप्रोफीमोरल जो जंक्शन रहता है ना वहां पे अपन फिंगर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो पेशेंट रहेगा ना, मतलब ये फिंगर क्यों रख रहे हैं अपन वहां पे, क्योंकि अपन को वो जो ओपनिंग है उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना है, ठीक है। मतलब वहां से ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो पेशेंट रहेगा ना उसको बोलेंगे कि तू कफ कर, मतलब जो खांसी टाइप रहती है उसको ऐसे बोलेंगे कि तू कर बोल के, ठीक है, उसको आस्क करेंगे टू कफ। जिसकी वजह से क्या होगा, क्यों कफ कराने के लिए बोल रहे हैं उसको अपन, क्योंकि उसकी वजह से एब्डोमिनल जो प्रेशर रहेगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में उसको खड़ा किया, उसके बाद जो एग्जामिनर है, कीप द फिंगर एट द एसएफ जंक्शन, मतलब जो एसएफ जंक्शन है वहां पे फिंगर रखने के लिए बोला। फिर आस्क द पेशेंट टू कफ, उसके बाद उसको कफ करने के लिए बोला। फ्लूड थ्रिल एंड इम्पल्स फेल्ट बाय द फिंगर्स इज इंडिकेटिव ऑफ सैप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस। अगर वहां पे कुछ भी अपन को इम्पल्स फील हो रहा है, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे कुछ तो फ्लूड थ्रिल है, सैप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस। देखो, अगर किसी चीज को अपन ब्लॉक करते हैं, मतलब वहां पे हाथ रख दिया, तो वहां पे नॉर्मली फ्लो होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि अपन ने वहां पे फिंगर रख दी थी तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वहां पे फ्लूड थ्रिल दिख रहा है, इसका मतलब क्या पता चला, जहां से वो फ्लो हो रहा है, मतलब वहां पे जो मतलब गैप रहना चाहिए था, जैसे अभी कोई ऐसे लाइनिंग ली तो इसमें से ऐसे फ्लो हो रहा है, तभी तो वो मतलब अपन को दिख रहा है ना, फ्लूड थ्रिल दिख रहा है। तो अपने को बस इतना याद रखना है, वो जो जंक्शन है ना वहां पे इनकॉम्पिटेंसी आ गई है, ठीक है, सैप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस। तो पहली टेस्ट आपको समझ में आई होगी, बहुत ही इजी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेकेंड जो टेस्ट है ना उसको अपन ट्रेंडलबर्ग टेस्ट बोलते हैं। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट के बारे में क्या बताया यहाँ पे, दिस टेस्ट इज डन इन टू पार्ट्स, मतलब दो पार्ट्स में ये टेस्ट की जाती है।
इसमें मेथड बताया है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई टू काउच इन द सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले तो पेशेंट को सोने के लिए बोलना है, सुपाइन पोजीशन लेने के लिए बोलना है। द लेग इज एलिवेटेड, उसके बाद उसके जो पैर रहेगा ना उसको ऊपर उठाने के लिए बोलना है, अबोव द लेवल ऑफ हर्ट, लेवल ऑफ हर्ट तक उसको पैर ऐसे, जैसे वो सोया है ऐसे, पेशेंट दोनों पैर ऐसे सीधे है लेकिन ये पैर ऐसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे, हर्ट के लेवल तक। मतलब उससे क्या होगा कि जो पेशेंट रहेगा ना उसमें उस वैसे करने की वजह से जो वेन है ना वो एम्प्टी हो जाएगी। एसएफ जंक्शन इज ऑक्लूडेड विद द हेल्प ऑफ थंब, और जो एसएफ जंक्शन है ना उसको अपन वहां पे एक टॉर्निकेट के जैसे, मतलब जैसे अपन किसी पेशेंट में पॉइजन अगर किसी ने ले लिया तो अपन क्या करते हैं उसके पैर के ऊपर ऐसे टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे एसएफ जंक्शन को थंब से मतलब रोक रहे, मतलब जैसे ऊपर के जैसे ब्लॉक किया था वैसे टाइप में। एंड पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड, मतलब वो पेशेंट को खड़े होने के लिए बोलेंगे। उसके बाद मतलब ये बेसिक था, इसमें ही जो ट्रेंडलबर्ग के जो दो स्टेप्स है तो उसमें अपन पहले देखेंगे ट्रेंडलबर्ग वन, उसके बाद सेकेंड। ठीक है, ट्रेंडलबर्ग वन में क्या होता है, एसएफ ओपनिंग जो रहती है उसके ऊपर अपन ने फिंगर रखा और फिंगर रखने के बाद क्या किया, उसको निकाल दिया। ठीक है, फिंगर रखा था पहले, जो फिंगर रखा था ना उसको वैसे ही नहीं रखना है, उसको जल्दी से ऐसे निकाल देना है पहले जो टेस्ट है ना उसमें। अगर अपन रिलीज करते हैं थंब को, ठीक है, मतलब कोई भी थंब या फिर जो भी टॉर्निकेट जहां पे अप्लाई किया है उसको अगर इमिडिएटली अपन वहां से निकाल देंगे, हटाएंगे, तो क्या होगा वहां पे रैपिड गश ऑफ ब्लड होगा ना, मतलब जल्दी से वो ब्लड फील होने लगेगा फ्रॉम अबो डाउनवर्ड एंड विच इंडिकेट सेप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस। मतलब वो क्या इंडिकेट करेगा, सेप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस है। पहले भी अपन ने ये चीज देखी है कि जब भी ऐसे रैपिडली एकदम गश हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, नॉर्मली ऐसे नहीं होना चाहिए था लेकिन इसमें हो रहा है, तो वो अपन को क्या इंडिकेट करेगा, सेप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंसी इंडिकेट करेगा। उसके बाद सेकेंड जो टेस्ट है ट्रेंडलबर्ग टू, इसमें क्या करते हैं, जो प्रेशर है ना एसएफ जंक्शन के ऊपर अपन ने ऐसे रखा था ना, मतलब थंब या फिर जो भी टॉर्निकेट था उसको वैसे ही मेंटेन करेंगे विदाउट रिलीजिंग थंब और टॉर्निकेट, उसको रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे के वैसे ही रखेंगे जैसे अपन ने पहले रखा था। उसके बाद पेशेंट को खड़े होने के लिए बोलेंगे, जब पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड, और स्लो फिलिंग ऑफ द लंग्स इफ एनस इज सीन, मतलब जैसे वो खड़े हो जाएगा उसके बाद वहां पे फिलिंग होगी, ठीक है, जो सिफेनस रहेगा उसमें फिलिंग होगी। वो क्यों हो रही है, अपन ने तो फिंगर वैसे ही रखा है ना, ऑब्वियसली नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर फिंगर रखा मतलब टॉर्निकेट अप्लाई हुआ तो वहां से फिलिंग नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन इसमें फिलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे परफोरेटर में क्या हो गई इनकॉम्पिटेंसी, वो परफोरेटर जहां से वो आ रहा था उसमें कुछ तो खराबी बिगाड़ी है ना, तभी तो वो फिलिंग हो रही है। तो ये भी आपको समझना है, मतलब कभी भी अपन ऐसे ही फिंगर रख रहे हैं, ठीक है, तो परफोरेटर अगर अच्छा होता था तो उस केस में क्या होता था कि ब्लड नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अपन ने हाथ रखा है ऑलरेडी वहां पे, तो यहाँ पे अपन ऐसे बोलेंगे कि ये जो है यहाँ पे परफोरेटर में इनकॉम्पिटेंसी है। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेंडलबर्ग वन है वो क्या बताता है और ट्रेंडलबर्ग टू किस रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ट्रेंडलबर्ग वन में अपन को सेप्रोफीमोरल इनकॉम्पिटेंसी पता चलती है, लेकिन जो ट्रेंडलबर्ग टू है उसमें अपन को क्या पता चलता है, परफोरेटर इनकॉम्पिटेंसी पता चलती है। उसके बाद अभी थर्ड वाली जो टेस्ट है वो देखेंगे, मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट, नाम में है देखिए, मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो टॉर्निकेट है ना एक से ज्यादा अपन को वहां पे पहनाना है या फिर बांधना है, ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे पोजीशन याद रखनी है कि फर्स्ट टॉर्निकेट कहाँ बांधना है, सेकेंड कहाँ, ऐसे। तो फर्स्ट याद रखना है एट द लेवल ऑफ एसएफ जंक्शन, मतलब जो इंग्वाइनल रीजन रहता है वहां पे एसएफ जंक्शन के लेवल पे आपको टॉर्निकेट अप्लाई करना है फर्स्ट वाला। सेकेंड कहाँ पे बांधना है, एट द लेवल ऑफ मिडल ऑफ द थाय, जो मिडल ऑफ द थाय है वहां पे बांधना है। थर्ड जो टॉर्निकेट है जस्ट बिलो द नी, जो नी रहती है अपना वहां पे उसके थोड़ा सा नीचे। जो फोर्थ टॉर्निकेट है वो लोअर थर्ड ऑफ द लेग अबो द मेडियल मैलोलस, जो एंकल है वहां पे, मतलब उसके जो लेग है ना अबो द जो मेडियल मैलोलस है वहां पे बांधना है। अगर आप ये फिगर में देखेंगे एक बार तो आपको बहुत मतलब अच्छे से याद रहेगा। इस टेस्ट में हमें बस इतना पता चलता है मतलब कौन से परफोरेटर में इनकॉम्पिटेंसी है। ये कैसे पता चल रहा है, मैं ये कैसे बोल रही हूँ मैं, देखिए टॉर्निकेट अपन ने अलग अलग प्लेस पे बांध दिए है ना, तो देखिए जिस मतलब टॉर्निकेट में खराबी होगी वहीं से ब्लड मतलब जाएगा ना नीचे, और जब ब्लड नीचे जाता है तो ब्लड नीचे जाने की वजह से क्या होगा, पैर में इडिमा दिखेगा, लेकिन किस परफोरेटर से जा रहा है वो अपन को इस टेस्ट से पता चलता है, जो मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट है ना उससे पता चलता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है श्वार्ट्ज टेस्ट। श्वार्ट्ज टेस्ट जो है ये नॉर्मली आजकल परफॉर्म नहीं की जाती है, इट इज डन विद द पेशेंट इन स्टैंडिंग पोजिशन। इसमें पहले क्या करते हैं, पेशेंट को खड़ा करने के लिए बोलते हैं, प्लेस द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड ओवर अ डायलेटेड सेगमेंट ऑफ द वेन एंड विद द राइट इंडेक्स फिंगर टैप बिलो वेन बिलो। मतलब इसमें क्या करते हैं, अपनी जो वेरिकोज वेन है उसमें जो डायलेटेड सेगमेंट रहता है ना उसमें क्या करना है, अपना जो लेफ्ट हैंड रहेगा उससे क्या करना है, जो डायलेटेड पोर्शन रहता है वहां पे राइट इंडेक्स फिंगर से वहां पे टैप टैप करना है। जैसे अभी कोई मतलब है तो वहां पे ऐसे ऐसे टैप टैप करेंगे, वहां पे नीचे नीचे आएंगे टैप टैप करते वक्त। पाल्पेबल इम्पल्स सजेस्ट, मतलब वहां पे कुछ इम्पल्स अपन को पता चलेगी। और सुपरफिशियल कॉलम ऑफ ब्लड इन द वेन, अगर वहां पे अपन को कुछ भी ऐसा मतलब पाल्पेशन हो रहा है तो उसमें अपन को क्या पता चल रहा है, सुपरफिशियल कॉलम ऑफ द ब्लड पता चलेगा कि वेन में है। एंड इट ऑल्सो सजेस्ट, अगर वहां पे सुपरफिशियल कॉलम दिख रहा है इसका मतलब क्या है, अभी देखा था अपन ने इनकॉम्पिटेंसी है वॉल में, मतलब वो वीक हो गई है वॉल, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ द वेन। तो आपको पूछ सकते हैं कि श्वार्ट्ज टेस्ट क्यों की जाती है, तो आपको बस इतना याद रखना है इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द वॉल, ये चीज अपन को इससे पता चलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो देखेंगे अपन, मॉडिफाइड पार्थिस टेस्ट बोल के है, इट इज डन टू रूल आउट डीवीटी, मतलब जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ना वो पता करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है। जो पेशेंट है इट इज आस्क टू स्टैंड, द टॉर्निकेट इज अप्लाइड एट एसएफ जंक्शन एंड ही आस्क टू हैव अ ब्रिस्क वॉक। मतलब जो पेशेंट रहेगा ना उसको क्या करेंगे अपन, पहले तो खड़ा करने के लिए बोलेंगे स्टैंड होने के लिए, ठीक है, टॉर्निकेट उसको अप्लाई करेंगे एसएफ जंक्शन, मतलब जो इंग्वाइनल रीजन रहता है ना वहां पे टॉर्निकेट लगाएंगे उसको। उसके बाद आस्क टू हैव ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क मतलब ऐसे जोर से मतलब चलने के लिए बोलेंगे, जैसे स्पीड स्पीड से चलते हैं ना वैसे उसको बोलेंगे। अगर इस केस में समझो वो जो पेशेंट रहता है अगर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि उसके जो काफ रीजन रहते हैं ना वहां पे पेन हो रहा है, तो उसका मतलब है कि उसके 100% वो डीवीटी की केस है, वेरिकोज वेन की केस नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आया डिफरेंस, सिंपल है, देखिए इसमें कुछ नहीं, अपन टॉर्निकेट अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसको स्पीडली चलने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो स्पीड स्पीड चल रहा है और उसको चिल्ला रहा है मतलब क्योंकि काफ रीजन में पेन हो रहा है ना उसको, तो इसका मतलब 100% है उसको डीवीटी है, वेरिकोज वेन नहीं है। तो आपको ये चीज पता चलेगी ये पार्थिस टेस्ट है, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन इन द काफ रीजन और इफ सुपरफिशियल वेन बिकम मोर प्रोमिनेंट इट इज इंडिकेशन ऑफ डीवीटी, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी। अपन ने पहले भी देखा था ये, अगर वो बहुत चिल्ला रहा है मतलब प्रोमिनेंट तो वो ऑब्वियसली डीवीटी की केस है और उसमें सर्जरी कभी परफॉर्म नहीं की जाती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है उसमें। और एक टेस्ट है जिसको फन फेगन्स मेथड बोलते हैं, इट इज डन टू डिटेक्ट द साइट ऑफ परफोरेटर, मतलब कहाँ पे परफोरेटर की साइट अपन को पता चलनी है अपने बॉडी में कहाँ कहाँ पे परफोरेटर्स, तो ये अपन को फिगन मेथड से पता चलता है, ठीक है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड, इसमें क्या करेंगे, पहले पेशेंट को खड़ा होने के लिए बोलेंगे, द वेरिकोसिटी इज मार्क्ड विद द मिथिलिन, जो भी वेरिकोसिटी रहेगी उसको अपन किससे मार्क करेंगे, वहां पे मिथिलिन से मार्क करेंगे। इसमें सिंपल है, पहले तो उसको खड़ा करेंगे, उसके बाद वो जो पेन है उससे क्या करेंगे, वेरिकोसिटी को मार्क करेंगे, उसके बाद उसको सोने के लिए बोलेंगे, जैसे वो सोएगा तो उसकी वेन एम्प्टी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद पाल्पेशन कराएंगे, जहां पे वेरिकोसिटी मार्क किया ना अपन ने ऐसे पेन से, वहां पे अपन हाथ से वगैरह ऐसे पाल्पेट करेंगे। उसके बाद परफोरेटर जो रहेगा ना, जहां पे परफोरेटर प्रेजेंट रहता है वहां पे अपन को कुछ गैप मिलेगा या फिर खड्डा मिलेगा, तो वहां पे समझ जाना कि वो पोजीशन उसकी है, वो पता चलेगा फिर परफोरेटर इनकॉम्पिटेंसी के बारे में। तो अभी सबसे मेन चीज यहाँ पे है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जाती है वेरिकोज वेन के लिए। तो सबसे पहले आपको उनको याद रखना है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, इसमें जो है ना मिकी माउस का साइन मिलता है, मतलब अपन को ऐसे भी पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वेरिकोज वेन में क्या है, तो अपन को पता चलना चाहिए मिकी माउस साइन जो मिलता है इसमें। ये तीन चीजें ऐसे मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे CFA मतलब कॉमन फीमोरल आर्टरी, GSV मतलब ग्रेट सेफेनस वेन और FV फीमोरल वेन, तो ऐसी चीजें अपन को वहां पे मिलेगी, ठीक है। जब भी अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं ना वो पेशेंट का, तो उसमें ये तीनों ऐसे साइन में मिलेंगे, मिकी माउस साइन बना के रहते हैं वहां पे, तो अपन को समझना है कॉमन फीमोरल आर्टरी, ग्रेट सिफेनस वेन और फीमोरल वेन ऐसे मिलेगा, तो अपन को वो मतलब मिकी माउस साइन है करके पता चलता है। दूसरा एक अपन को विनोग्राफी एक याद रखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या क्या करा सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले इलास्टिक कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग, मतलब अपन को वो पता होगा ऐसे थ्रेड मतलब जो
हेयर बैंड रहता है ना वो ऐसे करके करते हैं ना वो इलास्टिंग कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग वो करेंगे। उसके बाद इंजेक्शन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इंजेक्शन में कॉम्प्रेशन स्क्लेरोथेरेपी मतलब इंजेक्शन भी दे सकते हैं उसको। उसमें क्या देंगे 3% सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट और 1 to 2 ml ऑफ इथेनोलामाइन ओलिएट और हाइपरटोनिक सलाइन इज इंजेक्टेड इनटू द कॉलम ऑफ वेन। ये अपन को बस याद रखना है, इसमें कुछ मतलब है नहीं। असेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑकर्स एंड वेन फाइब्रोसिस ऑकर द वेन श्रिंक्स, मतलब ये बोला है कि जब भी अपन असेप्टिक थ्रोम्बोसिस उसमें होता है या फिर फाइब्रोसिस होता है तो वेन पूरी श्रिंक हो जाती है। और दूसरा बोला है एंडोविनस लेजर एब्लेशन EVLA, ये आपको याद रखना है ठीक है। EVLA एंडोविनस लेजर का भी डायरेक्ट एब्लेशन वहां पे किया जाता है। ये क्या रहता है EVLA जिसको बोल रहे हैं अपन एंडोविनस लेजर एब्लेशन क्या रहता है? तो इसमें सिंपल क्या करते हैं सर्जरी की जगह पे यहाँ पे क्या करता है लेजर से अपन उसको पहले हीट करेंगे ठीक है। उसकी वजह से जो वेन के वॉल रहते हैं ना वो कील हो जाते हैं, मतलब जो वेरिकोज वेन रहती है ना उसके वॉल कील हो जाते हैं। उसकी वजह से वो जो डेड टिश्यू रहते हैं ना वो नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो भी एबनॉर्मल वेन रहते हैं ना वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सर्जरी भी यहाँ पे करा सकते हैं अपन, जैसे सर्जरी में ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन बोल के रहता है वो करते हैं और VNUS क्लोजर बोल के रहता है इन द प्रोसेस ऑफ वेन डिस्ट्रॉय, मतलब इसमें वेन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट जो है ट्राइवेक्स है, सुपरफिशियल वेन्स आर सक्ड आउट, जो भी सुपरफिशियल वेन रहते हैं ना उसको सक आउट किया जाता है, मतलब जो भी दिखे उसको खींच के निकालो बाहर। दूसरा है SEPS बोल के है सब फैसियल एंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी, मतलब अपन ने देखा था ना किसी किसी में परफोरेटर में कुछ खराबी होने की वजह से वगैरह होता है तो वही उसके लिए किया जाता है SEPS। आपको उनको याद रखना है ये वाला भी। कॉम्प्लिकेशन आगे चल के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें, इग्जिमा हो सकता है, डर्मेटिटिस हो सकता है, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये जो इग्जिमा और डर्मेटिटिस है ऑकर ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इन द लोअर लेग, क्योंकि देखिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है एक्स्ट्रावेजेशन हो रहा है ना और जो आरबीसी रहते हैं वहां पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं लोअर लेग में इस वजह से। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस ये जो है रिफर टू द वेरियस स्किन चेंजेस इन द लोअर लेग, मतलब क्योंकि स्पेशली अपन ने देखा था ना वेरिकोज वेन लोअर लेग में होता है ना तो वहां पे जो स्किन रहेगी वहां पे कुछ चेंजेस होंगे एसोसिएटेड विद वेरिकोज वेन सच एज थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहां पे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है वो थिक हो जाता है। इंड्यूरेटेड उड लाइक मतलब वहां पे उड के जैसे वो फील होता है पिगमेंटेशन। हेमोरेज भी हो सकता है, इट ऑकर ड्यू टू ट्रोमा और एक्जिमा, ट्रोमा या फिर एक्जिमा की वजह से वहां पे होता है। थ्रोम्बोप्लेवाइटिस भी है, इट रिफर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन, अगर सुपरफिशियल वेन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से थ्रोम्बोप्लेवाइटिस हो जाता है। वीनस अल्सर भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल अल्सर, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर वीनस स्टेसिस एंड टिश्यू एनोक्सिया, ये भी याद रखना है अपन को ठीक है। तो अपन क्विक में एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या क्या अपन ने टेस्ट देखा। सबसे पहले अपन ने कफ इम्पल टेस्ट देखी जिसमें अपन को SF इनकॉम्पिटेंसी पता चलती है ठीक है। और टेंडलबर्ग 1 में क्या पता चला, उसमें भी अपन को SF जो सेप्रोफीमोरल जंक्शन रहता है वहां पे इनकॉम्पिटेंसी पता चलती है। ट्रेंडलबर्ग 2 जो रहते हैं वहां पे परफोरेटर में इनकॉम्पिटेंसी पता चलती है। जो मल्टीपल टर्निकेट टेस्ट है वहां पे अपन को साइट ऑफ जो परफोरेटर इनकॉम्पिटेंसी है वो पता चलता है। जो श्वार्ट टेस्ट रहता है ना उसमें सुपरफिशियल कॉलम ऑफ जो ब्लड रहता है वो पता चलता है। जो मॉडिफाइड पार्थिस टेस्ट रहता है तो उससे अपन ने देखा ना वो उसमें कन्फर्म हो जाता है DVT है या फिर वेरिकोज वेन है, तो DVT के लिए बोल सकते हैं वो ज्यादातर। फेगन्स जो टेस्ट रहते हैं टू लोकेट द परफोरेटर इन द डीप फेसिया, मतलब कहाँ पे कौन सा परफोरेटर है कहाँ पे हो रहा है वो अपन को फेगन्स टेस्ट से पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं DVT के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।